गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 द रेस। तरुण वॉज अ मेडियोकर स्टूडेंट, जो तरुण था वो औसत दर्जे का विद्यार्थी था। हिज ग्रेड्स कुड बेयरली सेटिस्फाई हिज पेरेंट्स, उसके जो मार्क्स थे, जो उसके ग्रेड्स थे, मुश्किल से ही अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को संतुष्ट कर पाता था। कहने का मतलब है कि वो उतने मार्क्स नहीं ले पाता था जिससे उसके मम्मी पापा खुश हो जाए कि भाई उनका बेटा अच्छे से पढ़ रहा है। एंड ही वॉज नॉट अ गुड सिंगर, डांसर, पेंटर और इवन एन एक्टर। ना ही वो एक अच्छा गायक, ना ही नृत्यकार, ना ही पेंटर और ना ही कोई एक एक्टर था। ही ऑलवेज थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, वो हमेशा अपने आप को फैमिली का ब्लैक शीप समझता था। ब्लैक शीप मतलब कि पराया या फिर कलंकित, मतलब कि पराया समझता था कि भाई वो अपने घर में मनहूस है, ठीक है, वो कुछ ज़्यादा अचीव नहीं करता तो वो एक पराया है, अपने आप को पराया समझता था, फैमिली से अलग समझता था। हिज एल्डर ब्रदर हु वॉज परसुइंग अ डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रेपुटेड कॉलेज ऑलवेज मेड द फैमिली प्राउड। तो उसका बड़ा भाई था जो कि इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा था एक अच्छे कॉलेज से, उस पर उसके परिवार वालों को हमेशा गर्व होता था। बट तरुण वॉज नेवर गुड एट एनीथिंग लाइक दैट, लेकिन तरुण इस तरह से नहीं था जैसे कि उसका ब्रदर। हाउएवर ही वॉज ब्लेस्ड विद द स्ट्रेंथ ऑफ ए ग्रेट एथलीट, ही वॉज एन एक्सेलेंट रनर। हालांकि उसमें एक अच्छाई थी, एक स्ट्रेंथ थी उसकी, एक उसमें शक्ति थी, वो थी कि वो एक अच्छा एथलीट था, एक अच्छे खिलाड़ी था, वो एक एक्सलेंट रनर था, वो रनर था इतना अच्छा कि वो ही वुड रन फॉर आवर्स बी इट डे और नाइट, वो घंटों तक दौड़ सकता था चाहे दिन हो कि रात। वेन एवर ही फेल्ट सैड एंड लोनली ही एग्जॉस्टेड हिमसेल्फ बाय रनिंग, thus releasing all his pent up emotions. जब भी तरुण अपने आप को अकेला महसूस करता, अपने आप को उदास महसूस करता, वो एग्जॉस्टेड का मतलब होता है बेटा थका देना, वो अपने आप को दौड़ा दौड़ा कर अपने आप वो दौड़ता था, दौड़ दौड़ कर अपने आप को थका देता था, और जो उसके दबे हुए इमोशन है, पेंट अप इमोशंस, पेंट अप मतलब जो उसके मन में जो भावनाएं हैं उससे वो रिलीज कर लेता था, उससे मुक्ति पा लेता था। कहने का मतलब यह है कि तरुण एक जो था एक अच्छा खिलाड़ी था, वो एक अच्छा रनर था, एक्सलेंट रनर था, और वो घंटों तक दौड़ सकता था चाहे दिन है चाहे रात है। और जब कभी भी वो अपने आप को अकेला महसूस करता, अपने आप को उदास महसूस करता, वो उसके जो मन की उसकी भावनाएं हैं, जो उसके मन में दबी भावनाएं हैं, वो अपने आप को जुड़ा कर दौड़ कर उस भावनाओं से मुक्त हो जाता। एट टाइम्स ही वुड मिस हिज स्कूल बस and would then run to the school which was 5 miles away from his home. कभी जब ऐसा होता है कि वो अपनी स्कूल बस को मिस करता तो वो भाग कर ही, दौड़ कर ही अपने स्कूल पहुंचता था, जो कि उसका स्कूल उसके घर से 5 मील दूर था, 5 मील उसका स्कूल उसके घर से था। He just had one dream to become the fastest runner in the world. उसका सिर्फ एक ही सपना था कि वो दुनिया का सबसे तेज धावक बनना चाहता है, सबसे तेज रनर बनना चाहता है, ये उसका सबसे बड़ा एम था। तरुण डिड नॉट नो हाउ टू अचीव हिज ड्रीम, तरुण को ये नहीं पता था कि वह उस अचीव का जो सपना है, जो उसका ड्रीम है, उसको कैसे उसे प्राप्त करेगा, कैसे उसे अचीव करेगा। ऑन द वन हैंड हिज पेरेंट्स हेटेड हिज रनिंग एंड वॉन्टेड हिम टू कंसंट्रेट मोर ऑन हिज स्टडीज, दूसरी तरफ जो उसके पेरेंट्स थे वो उसके दौड़ने के खिलाफ थे, मतलब नफरत करते थे कि उनका बेटा जो है रनिंग करता है, और चाहते थे कि उनका जो बेटा है तरुण वो स्टडी पर अपना ध्यान दे, और जो कि वो कभी देता नहीं था, विच ही नेवर डिड। ऑन द अदर हैंड ही बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली एंड तरुण न्यू डैट टू अचीव हिज ड्रीम ही नीडेड इंटेंस ट्रेनिंग द अमाउंट ऑफ फॉर विच वॉज वेल बियॉन्ड हिज फैमिलीज रिच। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो तरुण जो है एक मिडिल क्लास, मध्य वर्गीय क्लास,
के परिवार से संबंध रखता था और तरुण को जानता था, तरुण ये जानता था कि अगर उसे अपने सपनों को पूरा करना है तो उसे एक इंटेंसिव मतलब इन्वॉल्विंग वेरी ग्रेट एफर्ट्स मतलब गहन अध्ययन की बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है और उसके लिए बहुत सारे पैसों की भी जरूरत है जो उसके परिवार की पहुंच से दूर थी। When Tarun failed in his terminal examinations, his father was very angry with him. जब तरुण अपने टर्मिनल एग्जामिनेशन में फेल हो जाता है तो उसके जो पिताजी होते हैं उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। His friends too made fun of him. जो उसके दोस्त हैं, उसके सहपाठी हैं, उसके मित्र हैं, वो भी उसका मजाक उड़ाते हैं। It was a day he wanted to erase from his life and to shook and so he took to running. ये वो दिन था जिसे वे अपनी जिंदगी से मिटाना चाहता था, सो उसने क्या करा, उस दिन दौड़ लगाई, भागा वो, सो ही टुक टू रनिंग। ही रन ऑल अराउंड द पार्क, वे पार्क के चारों तरफ दौड़ा। द सन बीट डाउन टू चेक हिज रेज बट नथिंग कुड स्टॉप तरुण। आफ्टर अबाउट एन आवर ही वॉज फुली एग्जॉस्टेड एंड हिज फ्यूरी हैड सबसाइडेड। ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन अ बेंच एंड स्टार्टेड टू पेंट। पेंट का मतलब होता है हाफना। तरुण ने पार्क के चारों तरफ चक्कर लगाए, सूरज भी ढलने को था कि उसका गुस्सा शांत हो जाए, लेकिन वो कोई भी चीज तरुण को रोक ना सकी। घंटों तक दौड़ता रहा, घंटे तक दौड़ता रहा और जब वो पूरी तरह से थक गया तो उसका गुस्सा जो है शांत हुआ। उसने अपने आप को एक बेंच में गिरा दिया, मतलब वो एक बेंच में बैठ गया और हाफने लगा। Suddenly he heard a voice, "What is it, son?" अचानक वो एक आवाज सुनता है, ये क्या बात है बेटा, "What is it, son?" Tarun looked to his left and there sat a man of about 60. Tarun अपनी लेफ्ट साइड देखता है और देखता है कि वहां पर एक 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ है। "I failed in two subjects," Tarun replied in a depressing tone. कहते हैं मैं दो सब्जेक्ट्स में फेल हो गया हूं, और तरुण ने एक उदासी के स्वर में, उदासी की टोन में बात कही। द मैन स्माइल सिंपैथेटिकली एंड सेड, लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स बॉय। मैन ने, जो मैन है, मुस्कुराते हुए उन्होंने हमदर्दी के साथ कहा, सिंपैथेटिकली मतलब हमदर्दी के साथ कहा कि जो जिंदगी है वो उतारों चढ़ावों से भरी पड़ी है। लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बच्चे बेटा जो जिंदगी है वो उतारो चढ़ाव से भरी हुई है। बाय द वे आई एम राम नारायण एंड यू आर वन ऑफ द बेस्ट रनर्स आई हैव एवर सीन। कहते फिलहाल मेरा नाम राम नारायण है और मैं देखता हूं कि तुम उन अच्छे धावकों में से एक हो जिसे मैं देखता हूं। राम नारायण, रा राम नारायण, तरुण कहता राम नारायण क्वेश्चन मार्क, राम नारायण एक्सक्लेमेशन मींस अचंभित होकर तरुण बोलता है, आर यू द सेम राम नारायण हु वन एन ओलंपिक मेडल इन द 400 मीटर रेस इन द 1960s? तरुण कुड नॉट हाइड हिज एक्साइटमेंट। तरुण बड़े अचंभित तरीके से बोलता है, राम नारायण, क्या कोई सेम राम नारायण हो जिन्होंने 1960s में 400 मीटर रेस में ओलंपिक मेडल जीता था? तरुण अपनी जो एक्साइटमेंट है, अपने जो उत्साह है, वो छुपा नहीं पा रहा था। यस, पैट काउंट द रिप्लाई, तरुण वाज डेजर्ट। उन्होंने कहा यस और थपथपाया उसको और कहा कि हाँ, मैं ही राम नारायण हूं। तरुण वाज डेजर्ट, तरुण जो है हैरान रह गया। डेजर्ट का मतलब हैरान रह गया। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे आगे। थैंक यू।